नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मात्र 1,000 रुपए के लिए युवक की कर दी गई हत्या। पुलिस ने 3 दिन में ट्रेस किया हत्या का मामला। मामला आज से 3 दिन पहले का है। दिवाली के दिन खेत में मिला था जितेंद्र का शव। होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ने खोले हत्या के राज। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। दिवाली के दिन ही सिद्रम मोड़ के पास में एक खेत में मृत मिले जितेंद्र कुमार, जिनकी उम्र 31 वर्ष है। वो मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला है, जिसकी हत्या मात्र 1,000 रुपये के लिए कर दी गई थी। कैथल की CID 2 व सीतरम SHO की टीम ने हत्या के आरोपी राजकुमार और सत्तू निवासी शिवपुरी मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। CID पुलिस ने थाने में मामले का खुलासा करते हुए DSP रविंदर सांगवान ने बताया कि राजकुमार हुड्डा ने प्रेस का काम करता था, यानी हुड्डा कॉलोनी में उसकी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन वह काम छोड़कर अब मजदूरी करने लगा था। पिछले कुछ दिनों से वो शराब के नशे में भी रहता था। 26 अक्टूबर को राजकुमार शराब के नशे में था कैथल के रेलवे स्टेशन पर लेटा हुआ था, जहां उसने जितेंद्र कुमार से बीड़ी मांगी। बीड़ी पीते हुए दोनों में दोस्ती हो गई। जितेंद्र को हरसोला भट्टे पर जाना था। जितेंद्र ने बताया कि भट्टे पर रहने वाली एक महिला से उसके नाजायज संबंध है। दोनों ने तितरम ढाबे में खाना लिया और वहीं खेत में शराब पीने लगे। ढाबे पर खाना लेते समय जितेंद्र की जेब में राजकुमार ने पैसे देख लिए थे और राजकुमार के मन में लालच आ गया। खेत में दोनों बैठकर शराब पी रहे थे, बाद में वहीं पर सो गए, जिसके बाद राजकुमार अचानक उठ बैठा, लेकिन जितेंद्र अभी तक सो रहा था। पैसे के लालच में उसने एक पत्थर उठाया और जितेंद्र के सर पर दी मार, जिसकी वहीं मौके पर मौत हो गई। इसके बाद राजकुमार मृतक जितेंद्र की जेब से 1,000 रुपये लेकर फरार हो गया। फिलहाल मामले की जांच में CID 2 कर रही है, जिसके सब इंस्पेक्टर सत्यवान जांगड़ा व तितरम थाना SHO मुकेश कुमार, इन दोनों ने संयुक्त रूप से जांच करते हुए आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोपी CCTV फुटेज में पकड़ा गया था। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। तितरम थाने में सुबह फोन आता है सुभाष का, मेरे खेत में एक शव पड़ा है। तो ये जो हवेली कैथड़ है ना, उसके सामने उसका कोठा था, वहाँ पे शव पड़ा है। तो पुलिस वहाँ मौके पहुँचती है तो शव को वहाँ उसका बरामद कर लेती है और उसकी फिर वो करते हैं जांच। भाई इसके उसकी जेब जाप चेक करते तो उसका आधार कार्ड मिलता है, तो मुजफ्फरनगर का रहने वाला मिला। उसके घर वालों को बुला के पोस्टमार्टम करके उसको सब उसके हवाले कर दिया जाता है। तो आगे की टीम SP साहब की तरफ से बनाई जाती है, SHO तितरम और CID 2, तो इसमें गहनता से लग जाते हैं भाई ये मर्डर कैसे हुआ। तो हमें एक होटल से फुटेज मिली जो मरने वाला था और जिसको कल यहाँ करा पकड़ा है आरोपी को, तो कल उसको फिर कई जगह चेक कराया, उसको टीम बनाई रखी थी। फिर एक मुखबर ने बताया कल शाम को न्यू रेलवे स्टेशन पे सोता मिला, तो उसको पुलिस पकड़ के ले आई। तो उसका नाम राजकुमार है, वो वहाँ का रहने वाला है, शिवपुरी MP का रहने वाला है। तो बात हुई उससे, बोले हम 26 तारीख को दोनों मिले थे जितेंद्र, उसने जितन विकास नाम बताया था जो मरण इसने राजकुमार ने, उसका नाम विकास बताया था। ये दोनों सुबह सो रहे थे तो प्लेटफार्म पे इसने राजकुमार ने उससे बीड़ी मांगी, उसने बीड़ी दे दी, दोनों में दोस्ती हो गई। ये पूरे दिन कुछ खाते पीते रहे, दारू पीते रहे। शाम को ये तितरम थाने में वो
हवेली की तरफ निकल गया कि हमने भट्टे पे जाना है। वहाँ जाके इन्होंने कुछ रोटी वगैरह खाई, ये कोठड़े पे जाके लेट गए। तो कोठड़े पे लेटने के बाद इनने दारू पी रखी थी, तो इसने खाना खाया ना, जब खाने के पैसे दिए इसने जितेंद्र ने, तो उसने देख लिया इसकी जेब में पैसे, उसको लालच आ गया। तो उसने इसके रात को निकालने की कोशिश करी, तो ये बोला रहने दे चोरी मत कर, तो वापिस हो गया। जब वो सो गया तो इसने वो उठा के था, उसको बोलते सीमेंट का वो पाइप था, वो इसके सिर पे मारा, इसकी मौत हो गई। और आगे से गहनता से जांच कर रहे हैं। पैसे कितने थे? पैसे इसकी जेब में 1000 रुपये थे, उसने लिए थे जो जैसा कि हमने ना फोटो देखी थी, किसी पैंट खुली हुई थी और पास में महिला का दुपट्टा भी पड़ा था, कुछ लोग शक जता रहे थे कोई महिला का मामला भी हो सकता है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया, और अभी हम इसको अदालत में पेश करेंगे, पुलिस रिमांड होंगे, आगे से जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सामने लेंगे। सर, मरने वाले का नाम, मारने वाले का नाम बता दें। मरने वाले का नाम जितेंद्र है, ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, और मारने वाले का राजकुमार नाम है। ये यहाँ 4 साल पहले आया था, 19 सेक्टर 19 में ये प्रेस का काम करता था, अपने परिवार के साथ रहता था। तो इसकी अभी पता लगा, ये 21 तारीख से अपने घर से गायब था, अपने घरवाली ने इसकी कह रहे थे घर में आपस में झगड़ा हो गया, इसके हाथ पे भी प्रेस लगा रखी है, ये 4-5 दिन से दारू पीता ही घूम रहा था इधर। और इससे भाई ऐसे ही पता करा, पहले आप जानते हो आपस में नहीं जानते, ये बोले हम तो 26 तारीख को हुआ। 1000 रुपये के लिए मतलब 1000 रुपये ही थे, और अभी गहनता से और जांच होगी, अगर उसकी जेब में कुछ होगा तो भी कोई मुकदमा दर्ज है उनके। अभी ये यहाँ पे भी पता कर लिया, और इसका MP शिवपुरी में भी पता कर रहे हैं, वही इसका कोई मुकदमा वहाँ दर्ज तो नहीं है।